कैसे हो भाई? सब लोग भाई, मैं वीडियो थोड़ी लेट डाल पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। पहले मैं चेक करके भाई फिर वीडियो डालता हूँ। मैं ऐसे डालता नहीं हूँ, किसी भाई का कबूतर बीमार हो जाए तो पहले मैं अपने कबूतर को चेक करता हूँ दो भाई, उसके बाद ही मैं वीडियो डालता हूँ, जो किसी दूसरे भाई को कबूतर को नुकसान ना हो। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कबूतर सूखे में आ जाता है तो उसको सही करने का इलाज। ठीक है भाई, अभी बारिश का सीजन है तो सूखे में आ रहे कबूतर बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताऊंगा इससे आपके कबूतर का सूखा सही हो जाएगा और आपका कबूतर एकदम ठीक हो जाएगा। ये इलाज भाई 4 से 5 दिन आपको करना पड़ेगा, और बाकी सूखे में जो आपके कबूतर आ रखे भाई उन्हें अलग कर दे पहले तो, क्योंकि सूखे में कबूतर आ जाता है तो वो उल्टी करता है और उस उल्टी को दूसरा कबूतर खा लेता है। उसमें से जो दाना वाना निकलता है उल्टी में से, दूसरे कबूतर बहुत जल्दी खाता है। जितने कबूतर उसको खाते हैं तो सारे सूखे में आ जाते हैं। इसलिए भाई जो जो आपका कबूतर सूखे में आ रखा है पहले उसको अलग कर दे, अलग रखे उसे। और खाने में उसको रात की बासी रोटी देनी है भाई आपको। सूखे में क्या होता है, कबूतर खाना नहीं पचा पाता ढंग से, तो इसलिए आपको खाने में बासी रोटी देनी है। बासी रोटी बहुत आराम से पच जाती है, तो खाने में आप बासी रोटी दें। बाकी अब वो करना क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। एक भाई पाउडर आता है टेट्रा साइक्लिन का पाउडर आता है, फोटो ये रही ऊपर। ठीक है भाई, तो ये आपको क्या करना है, एक चुटकी डेली शाम को, एक चुटकी कबूतर की चोंच में खोल के एक चुटकी करके डाल देना है। रोज एक चुटकी आपको देना है 4 से 5 दिन। 5 दिन दो आप, 5 दिन में आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया इलाज है भाई ये। बाकी इससे जो मुंह की बीमारी होती है थोड़ी बहुत, जुखाम वुखाम या मुंह में और भी कोई बीमारी होती है, तो वो सारी सही हो जाती है। बहुत ही बढ़िया इलाज है भाई, इससे आपका कबूतर का सूखा एकदम ठीक हो जाएगा। 5 दिन आपको ये देना है। पाउडर होता है, पाउडर आएगा, पाउडर को निकाल के सिर्फ एक चुटकी और चोंच खोल के उसमें डाल देना है। बाकी थोड़ा सा 5 ml उसको पानी दे दो उसके ऊपर, ताकि वो घुल जाए। ठीक है भाई, तो करें और थोड़ा ध्यान रखें भाई, कबूतर को थोड़ा अलग करके रखें सूखे वाले कबूतर को, नहीं तो सारे कबूतर आपके बीमार हो जाएंगे। बाकी आप सही कबूतर को भी भाई ये पिला सकते हो। सही कबूतर को आपको 1 लीटर में 1 चम्मच पिलाना होता है, उससे आपके कबूतर में बीमारी कम लगेगी। ये आपको पाउडर मिलेगा भाई जानवरों की जो दुकान होती है उस पर मिलेगा, ये केमिस्ट पे पता कर लेना, केमिस्ट पे ना मिले तो आज मिलती हो उस दुकान पे, आपको आराम से मिल जाएगा। इतना बड़ा पैकेट आएगा पाउडर का, काफ़ी दिन चल जाएगा आपका। बाकी कबूतरों को आप नॉर्मल दो, नॉर्मल उसी में पानी में हफ्ते में एक बार मिला दो तो सूखे में नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया पाउडर है भाई ये, और भाई इलाज करें। बाकी वीडियो कुछ दिन से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में थोड़ा लेट हो रहा हूँ डालने में भाई। पहले मैं चेक करके पहले अपने कबूतरों में मैं यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो डालता हूँ, जो भाई कोई दिक्कत ना हो भाई किसी भाई के कबूतर को। चेक करके डालनी चाहिए, बाकी मैं वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी, और वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें भाई, जिस जिस भाई के कबूतर ठीक हो रहे हैं वो कमेंट करें, और नहीं हो रहे तो भाई वो भी कमेंट करें, मुझे बताएं। वैसे सही हो जाएंगे 100%, आप नीचे कमेंट डालोगे तो भाई और बंदे भी देखेंगे कि हाँ भाई कबूतर सही हुआ है, तो भाई और भी बंदे इलाज कर लेंगे। बहुत क्या होता है भाई, बंदे बहुत सारी वीडियो होती है, वीडियो देख देख के आधे बंदे कर नहीं पाते, तो कमेंट से पता चल जाता है कि भाई नीचे कमेंट अच्छे आ रखे, जिस जिस भाई के सही हुए हैं कबूतर, वो अगर कमेंट डाल दे कि हाँ भाई मेरा सही हो गया है, तो भाई और भी कर ले तो और भाइयों के कबूतर भी सही हो जाए। ठीक है भाई, और वीडियो को शेयर करें। बाकी भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे से जुड़े रहे। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।